तो गाइस ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए हमें क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे टाइप करना है parivahan.government.in और इसको सर्च कर लेना है। गाइस इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हम क्लिक करेंगे लर्नर लाइसेंस पे, तो हम लर्नर लाइसेंस अप्लाई करना है हमें, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में गाइस हम यहाँ देख सकते हैं अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे लर्नर लाइसेंस वाला पे। गाइस यहाँ पर 5 स्टेप है, इसको पूरा करना है हमें। तो गाइस इसके लिए हमें फॉर्म फिल करना है, फोटो अपलोड करना है, फिर पेमेंट करना है। तो गाइस प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में ये ओपन हो के आएगा। तो गाइस यहाँ पर फर्स्ट वाला पे क्लिक करना है और यहाँ पर जनरल ही रहने देंगे। उसके बाद में गाइस हम आएंगे यहाँ पे, तो ये डैशबोर्ड खुल के आएगा। तो गाइस यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, जो ओटीपी आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर डाल के जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। तो गाइस जो ओटीपी आएगा उस ओटीपी को यहाँ पे डाल देंगे। तो गाइस इस तरह से डाल देंगे, उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो गाइस ये फॉर्म खुल के आएगा, इस फॉर्म को पूरा अच्छे तरह से भर लेना है। तो गाइस यहाँ पे आरटीओ सिलेक्ट कर लेना है अपना, और यहाँ पिन कोड तो यहाँ नहीं डलाएगा। तो गाइस यहाँ फर्स्ट नेम, यहाँ मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम है। तो गाइस यहाँ पे मिडिल नेम में जैसे राम कुमार वर्मा है, तो यहाँ पे राम कुमार फिर लास्ट में वर्मा आएगा लास्ट में। तो गाइस यहाँ पे फादर नेम है, तो फादर नेम सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। तो गाइस यहाँ पे जेंडर मेल रखेंगे या तो फीमेल रखेंगे, और बर्थ प्लेस और यहाँ डेट ऑफ बर्थ, और गाइस यहाँ पे इंडियन ही रहने देंगे। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन 10th 12th जितना है आपका वो रखेंगे। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप जो आपका है वो डाल देंगे। तो गाइस उसके बाद में आप यहाँ लैंडलाइन नंबर डाल सकते हैं अगर है तो, नहीं तो छोड़ सकते हैं। तो गाइस यहाँ ईमेल आईडी डालना बहुत जरूरी है, ताकि इसी से कंफर्म होता है, मैसेज आता है। तो गाइस इसमें जब भी बन जाता है ड्राइविंग लाइसेंस तो आपको मैसेज आएगा। तो गाइस यहाँ पर प्रोडक्ट नंबर डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ दिए। गाइस यहाँ पर फिर यहाँ मॉल मार्क या तो कट मार्क यहाँ डाल सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम मॉल ऑन फेस देते हैं और यहाँ पर मॉल ऑन चेस्ट देते हैं। तो गाइस उसके बाद में हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके आना है नीचे में, और यहाँ पे एड्रेस पर डाल देना है जो आपको आधार में है, क्योंकि हम यहाँ पर आधार कार्ड ही अपलोड करने वाले हैं। तो हम यहाँ आधार में जो सेम एड्रेस है उसी एड्रेस को यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका एड्रेस जब आप वेरीफाई कराएंगे नहीं मिलेगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर उसी एड्रेस को यहाँ पर डालना है जो आधार में है। तो गाइस यहाँ पर पिन कोड डाल देना है, और यहाँ पर अगर सेम एड्रेस थे तो सेम एड्रेस डाल देंगे यहाँ पे क्लिक करके। और गाइस यहाँ पर डाल सकते हैं अगर आप कहीं से आके बसे हैं यहाँ पे, तो नहीं तो इसको छोड़ भी देंगे तो चल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि किसका ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, मोटरसाइकिल का बनाना है या तो स्कूटी का, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं मोटरसाइकिल विथ विदाउट गियर, और यहाँ पर है मोटरसाइकिल विथ गियर। तो गाइस हम यहाँ पर विथ गियर वाला सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर बाइक वाला बनाना है, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। तो गाइस यहाँ पर अगर दोबारा हम इसको डालते हैं ऊपर वाला, तो यह नहीं ले रहा है। उसके बाद हम नीचे वाला देखते हैं, LMV है। तो गाइस साथ में आप इसे भी ऐड कर सकते हैं LMV वाला को इस तरह से, अगर आप इसे हटाना चाहते हैं LMV को, और गलती से रखोगे यहाँ सिलेक्ट करके या नीचे वाला क्लिक कर देंगे तीर में, तो यहाँ से हट जाएगा। तो गाइस उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर क्लास लिए हैं कहीं ड्राइविंग स्कूल से, तो यहाँ दे के टिक मार के यहाँ पर डिटेल भर सकते हैं, तो यहाँ छोड़ दें। तो गाइस यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन है, यहाँ पर इसको भी पूरा फिल कर लेना है। अगर नहीं फिल करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा आपका फॉर्म। तो यहाँ पर हिंदी भी कर सकते हैं और इंग्लिश भी कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, अभी हिंदी कर लिए हैं, अच्छे से पढ़ लेंगे। तो गाइस यहाँ पर नो होगा, और सिर्फ एक ही को ये यस होगा, हाँ होगा, बाकी सब में नो होगा। तो इसी को ध्यान रखिएगा कि एक ही जगह हाँ लगेगा, बाकी सब में नहीं लगेगा। तो गाइस यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ सबमिट कर देना है, यहाँ पे ओके कर देना है। तो गाइस उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर मेरा सबमिट हो चुका है, यहाँ पे ओके कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर गाइस हम कैप्चा डालेंगे, उससे पहले गाइस हम यहाँ पर देख लीजिए, आप ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे यस कर देंगे,
मान के लिए कहीं डेट उथ हो गया या कुछ भी, ऐसे स्थिति में हम मर जाएंगे तो यहाँ पर डोनेट कर सकते हैं अपना पार्ट, बॉडी पार्ट को, तो यहाँ पीएस कर देंगे। उसके बाद में गाइस यहाँ पर कैप्चा डाल के सबमिट कर देंगे, इसको गाइस हम ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी हट चुका है मेरा यहाँ जो सिलेक्ट किए थे, तो गाइस यहाँ पर फिर से सिलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ ओके कर देंगे, फिर यहाँ पर भी ओके कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर लिख रहा है, इसको भी हम ओके कर देंगे और इसको हम सेव कर देंगे, और नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट इसको ओके करना जरूरी है। तो गाइस इसको हम ओके कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे ओके कर लिए हैं, मैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर इसको हम प्रिंट करके रख लेंगे भविष्य के लिए। तो गाइस फिलहाल हम इसको सेव कर ले रहे हैं पीडीएफ में, और यहाँ पर सेव करके रख लेंगे। तो गाइस इसको भी आपको रख लेना है, बाद में काम आता है। तो यहाँ पर फाइल में फाइल का नाम दे के यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, तो मेरा ये डॉक्यूमेंट वाला फाइल में सेव हो जाएगा। तो गाइस उसके बाद में यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आएगा। तो गाइस यहाँ ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर आगे पे क्लिक करेंगे सबमिट पे, उसके बाद ये लॉग फॉर्म खुल के आएगा। तो गाइस यहाँ पर देखिए जो डिटेल वहाँ पे भरे थे वो फिल हो के आ चुका है। तो गाइस अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं नीचे में, तो गाइस यहाँ देख लीजिए अभी फोटो नहीं है, ये फोटो आपको आरटीओ में फोटो खिंचाएंगे तब यहाँ पे शो करेगा। तो गाइस यहाँ पर हम थोड़ा सा स्क्रॉल होके नीचे आ जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए अभी मेरा लर्नर के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद में तो फर्स्ट वाला कंप्लीट हो चुका है, अब सेकंड वाला करना है, और थर्ड वाला जो अभी रेड लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला। तो गाइस नीचे में देखेंगे तो गाइस नीचे में भी स्टेटस है जो कि अभी पेंडिंग है। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए अभी दोनों कंप्लीट नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टेटस में अभी पेंडिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो जो हम सक्सेस करते जाएंगे उसका डेट भी दिखाते जाएगा इस जगह पे। तो गाइस यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है पे, ताकि यहाँ मेरा डिटेल पूरा सब कुछ सही सही है, अगर मिसमैच होगा तो आप एडिट कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद में हम यहाँ पे अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट को। तो गाइस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एज प्रूफ या तो एड्रेस प्रूफ, दोनों में से किन्हीं को एक सिलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे एज प्रूफ सिलेक्ट किए हैं, और यहाँ पे हम डालेंगे पैन कार्ड को। तो गाइस यहाँ पे नहीं डालेंगे तो चलेगा, यहाँ पे फाइल चॉइस पे आएंगे तो यहाँ मेरा फाइल ओपन होके आएगा। तो गाइस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे हम इस वाले को, पैन कार्ड को। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए अभी व्हाट्सएप से हम भेजे थे, तो व्हाट्सएप लिखा हुआ फाइल का नीचे में। तो गाइस यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, इस जगह पे अपलोड अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो गाइस यहाँ पे अभी अपलोड नहीं होगा। तो गाइस आप यहाँ पे ऊपर में देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि यहाँ पे फाइल नेम शैल नॉट हैव मल्टीपल डॉट्स इस जगह है। तो गाइस मेरा जो पैन कार्ड का नीचे में नाम लिखा हुआ था वो तो बहुत लंबा है, तो गाइस उसको हम एडिट करेंगे, सिर्फ पेन लिख देंगे छोटा में इस तरह से। तो इस तरह से आपको भी कर लेना है, ज्यादा लंबा नाम नहीं रहना है या तो फिर डॉट नहीं लगाना है फाइल में। तो गाइस अब हम यहाँ पे लॉग इन करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल के डेट ऑफ बर्थ डाल के। तो गाइस यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं, तो गाइस यहाँ पे ओटीपी चला गया है और यहाँ पे हम ओटीपी डाल लेंगे। तो गाइस अगर आप बिना ओटीपी का करना चाहते हैं तो सिर्फ बैक आ जाना है पूरा होम पेज में, और फिर से आपको एप्लीकेशन स्टेटस में आ जाना है और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल के लॉग इन कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर आपको ओटीपी नहीं मांगेगा, आप यहाँ पर बिना ओटीपी के लॉग इन कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए हम फिर से लॉग इन हो चुके हैं, और फिर से हम आ जाते हैं जहाँ पर थे वहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे हम फिर से सिलेक्ट करेंगे एज प्रूफ पैन कार्ड, और यहाँ पे छोड़ देंगे, हम नहीं डालेंगे। यहाँ पे चॉइस फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे।
तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से नाम नहीं रहना चाहिए जो व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप इमेज इसे करके लिखा हुआ है इसे, तो इस तरह से रहना चाहिए पेन एकदम शॉर्ट में, बिना डॉट का, बिना स्पेस का। तो गाइस यहाँ पर हम अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो गाइस यहाँ पर हो गया है, अब कंफर्म करेंगे यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर व्यू करके देख सकते हैं कि सही से हुआ है नहीं हुआ है। तो गाइस यहाँ मेरा सही से हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे हम कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। तो गाइस सेव सबमिट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर हम फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पर एड्रेस प्रूफ है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में गाइस यहाँ पर हम अपने आधार को सिलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे आधार ही देंगे तो ठीक रहेगा, जिसमें डेट ऑफ बर्थ पूरा रहना चाहिए। तो गाइस ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ नंबर भी डाल सकते हैं, वाइट बिल छोड़ दीजिए यहाँ, और चॉइस फल में आके क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने आधार को सिलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर मेरा आधार ये है, तो इसको हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो गाइस यहाँ अपलोड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर कंफर्म करने का ऑप्शन आएगा। तो गाइस हम यहाँ पर कंफर्म कर देंगे, तो गाइस ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ग्रीन टिक दोनों में लग गया है, अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे हम। तो गाइस यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज में आएंगे, तो यहाँ पर हम कैप्चा को डाल के सबमिट कर देंगे तो लॉग इन हो जाएंगे। तो उसके बाद ये फॉर्म खुल के आएगा, तो हम इसको लेकर थोड़ा सा नीचे आते हैं। और गाइस यहाँ पर देखिए मेरा दूसरा नंबर भी कंप्लीट हो चुका है, अब तीसरा नंबर पेंडिंग है जो रेड में लिखा हुआ है, अब इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे गाइस हमें पेमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है। तो गाइस यहाँ पे पेमेंट करना है 250 रुपया, तो इसका है 150 रुपया और इसका है एनुअल टेस्ट का 100 रुपया। तो गाइस पहले ही एनुअल टेस्ट का पेमेंट दे रहा है हमें, तो गाइस दोनों मिला 250 हो रहा है 250 रुपया। तो इसको हम पेमेंट करेंगे अभी। तो गाइस उसके लिए हमें यहाँ पर बैंक गेटवे है नीचे में, तो गाइस यहाँ पे क्लिक करना है और इसको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देना है। तो गाइस यहाँ कैप्चा कोड आपको सही से डालना है, मिस्टेक करेंगे तो नहीं होगा। फिर पे नाउ पे क्लिक करेंगे हम, तो गाइस इस वाले पेज में हम आ जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर हम चेक कर लेंगे सही है या नहीं है। तो गाइस अगर सही रहेगा तो हमें नीचे में आई एग्री है वहां पे क्लिक करेंगे। तो गाइस यहाँ पर सारा कुछ मेरा सही है, अगर गलत रहता है तो हम एडिट कर लेंगे। तो गाइस यहाँ आई एग्री पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो गाइस हमें यहाँ पर लेके आएगा एक ग्रास पर, तो गाइस ये झारखंड का साइट है पेमेंट का, झारखंड सरकार का। तो गाइस यहाँ पर हमें गेस्ट लॉगिन पे करेंगे और यहाँ पे SMS या तो ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। तो गाइस हम मोबाइल नंबर के थ्रू करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और गेट OTP पे क्लिक करेंगे। तो गाइस यहाँ पर OTP आ चुका है, अब हम OTP को यहाँ पे डाल लेते हैं और यहाँ प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। तो गाइस यहाँ थोड़ी ही देर में नेक्स्ट पेज आएगा। तो गाइस यहाँ पर दो बैंक है, एक पंजाब नेशनल बैंक है और दूसरा SBI है, तो हम SBI को क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो गाइस उसके बाद में ये ओपन होके आएगा, तो यहाँ एग्री करके हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ ओके करेंगे। और गाइस यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI और वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है। तो गाइस हम UPI और UPI बारकोड पे क्लिक करेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। तो गाइस यहाँ पर एक बारकोड ओपन होके आएगा, तो इसको हमें फोनपे, पेटीएम, गूगल पे किसी में भी आप स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। तो गाइस पेमेंट करने के बाद में थोड़ा देर में यहाँ ऑटोमेटिक प्रोसीड स्टार्ट होगा। तो गाइस यहाँ पर ऑटोमेटिक प्रोसीड होके यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन सबमिट हो गया और इसको प्रिंट आउट कर लेंगे हम। तो गाइस यहाँ पर अब लॉग आउट हो गया, तो हम फिर से लॉग इन करेंगे। तो एप्लीकेशन स्टेटस है यहाँ पे लॉग इन करेंगे क्लिक करके। तो गाइस उसके बाद में हमें एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद बारकोड डाल के सबमिट करेंगे। तो गाइस ये लॉग इन हो जाएगा। तो गाइस लॉग इन होने के बाद में हमें थोड़ा सा स्क्रॉल आना है। तो गाइस स्क्रॉल आने के बाद में हमें यहाँ पे तीनों कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे रेड लाइन में लिखा हुआ है। तो गाइस यहाँ पे आपको क्लिक करके आपको
यहाँ पर वॉच करना पड़ेगा थोड़ा सा, और आपको तभी एग्जाम दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा वो सारा चीज यहाँ पे दिखाएगा। तो गाइस आप एग्जाम देने एलएल टेस्ट देने से पहले यहाँ पे एक बार देख लेंगे। तो गाइस यहाँ पे रहे तीन फॉर्म, या तीनों पे क्लिक करके तीनों का प्रिंट आउट निकाल लेंगे। उसके बाद में आरटीओ जाएंगे और वहां पे जाके वेरीफाई करवाएंगे और वहीं पे जाके फोटो खिंचवाएंगे जो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस में छप के आएगा। तो गाइस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।